प्यारे बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक भाग दो की कविता 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। इसके पहले हम रहीम के दोहे पढ़ चुके हैं, आज हम फिर से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो पहला दोहा हम पढ़ना शुरू करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, बिपती कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। शब्दार्थ, संपत्ति यानी धन दौलत, सगे यानी अपने, बहुत का मतलब है बहुत से, बिपती यानी मुसीबत या विपत्ति, तेई यानी वही, साचे यानी कि सच्चे, मीत मित्र। इस दोहे में रहीम जी हमें कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन है, दौलत है या मान सम्मान है, तब तक बहुत से लोग अपने मित्र बनते हैं। लेकिन जो मित्र दुख या दरिद्रता या संकट के समय काम आते हैं, जो मित्र हमारी सहायता करते हैं, वही सच्चा मित्र होता है। मतलब दुख के दिनों में भी जो हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो यह रहीम जी ने सच्चे मित्र की विशेषता बताई है। अभी दूसरा दोहा देखते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीन न को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। शब्दार्थ, परे यानि पढ़ने पर, जल पानी, बही याने बहना, जात जाता है, तजी छोड़कर, मीनन याने कि मछली, मोह का अर्थ है प्रेम या लगाव, नीर पानी, तव यानी कि तब ही, छोह यानी प्रेम। तो यहां रहीम जी कहते हैं कि पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, परंतु पानी उसका मोह छोड़कर बहकर निकल जाता है। तो यहां रहीम जी कहना चाहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उससे बिछुड़कर अपने प्राण त्याग कर देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर पानी बह जाता है। तो यहाँ रहीम जी हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें मछली की तरह ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तीसरा दोहा है, देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सचही सुजान। शब्दार्थ, तरुवर यानि वृक्ष, सरवर यानि सरोवर, पियत मतलब पीते हैं, पान यानि पानी, परकाज का मतलब है दूसरों के काम के लिए, हित यानि भलाई, सच ही एकत्रित करना।
सुजान यानी सज्जन या बुद्धिमान। तो यहाँ तरुवर, तरुवर यानी क्या, वृक्ष। तो रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों को खुद नहीं खाते तथा सरोवर यानी कि तालाब अपना जल खुद नहीं पीते। तो उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं, वे अपने संपत्ति का संचय, उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो यहाँ रहीम जी कहना चाहते हैं कि वृक्ष और सरोवर की तरह हमारा स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमारे मन में उपकार की भावना होनी चाहिए। अगला दोहा है, थोथे बादल क्वार के जो रहीम घह रात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचली बात। शब्दार्थ, थोथे यानि खोखले या बेकार, बादल बादल, क्वार यानि आश्विन का महीना, घरात यानि गरजते हैं, निर्धन मतलब गरीब, भय यानी कि होकर, पाचली पिछली। यहां रहीम जी कहते हैं कि क्वार, क्वार मतलब क्या, अश्विन मास। तो अश्विन महीने में जो बादल उमड़ कर आते हैं वे खोखले होते हैं, यानी वे सिर्फ क्या होते, गरजते हैं, वे बरसते नहीं हैं। और सावन महीने के जो बादल होते हैं वे जमकर बरसते हैं। तो यहाँ रहीम जी ने गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले अमीर थे और अपनी बीती बातें बताकर वे दूसरों को प्रभावित करते थे। वे निर्धन हो जाने पर अमीरी की ही बातें वे करते रहते थे। इसका मतलब रहीम जी का कहना है कि बीती बातें, समय की बातें करने से कोई लाभ नहीं होता है। धरती की सी रीत है सीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। शब्दार्थ, रीत का मतलब है तरीका या नियम, सीत मतलब शीत यानि ठंड, घाम धूप या ग्रीष्म, औ यानि और, मेघ मतलब बादल, सहना, त्यो यानी कि उसी प्रकार, देह यानी शरीर, अभी यहां रहीम जी हमें कहते हैं कि धरती की रीत है। अभी रीत का मतलब है नियम, कि वह सभी ऋतुओं में यानी सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, सभी ऋतुओं में बराबर रूप से वह सहती है। तो उसी प्रकार धरती की तरह मनुष्य देह को भी जीवन में सुख हो या दुख हो, समान रूप से झेलने की ताकत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो बच्चों, यहीं पर हमारे दोहे पढ़कर समाप्त हो गए।